तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग डाल पा रहा था क्योंकि हमारे जो घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, तो मैं भी थोड़ा सा ब्लॉग जो है हमारा डिस्टर्ब्स हो गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी के लिए एक शॉर्ट की सीरीज डाल दूँ डेली या दो तीन दिन बाद, जिसमें कि मैं आपको कुछ नॉलेजेबल कंटेंट बताऊँगा और साथ ही साथ कुछ हमें जो हमारे जीवन में सीखने की बातें हैं वे मैं उस शॉर्ट के माध्यम से आपको दिखाऊँगा। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि आलू का सीजन आ रहा है, जैसे कि हम लेट थोड़े से हो गए हैं, आज 20 अक्टूबर हो गया है। तो आज हम अपने जो खेतों की तैयारी करने वाले हैं, साथ में मेरे पीछे ट्रैक्टर खड़ा है मेस्सी, जिसके पीछे है हैरो और महिंद्रा उस साइड जा लिया है जिसमें रूट जुड़ा हुआ है। तो आइए दोस्तों व्लॉग शुरू करते हैं। ट्रैक्टर हमारा उस साइड चल रहा है और मैसी को लेकर आ गया हूँ और स्वराज उस साइड खड़ा है, क्योंकि स्वराज पे जो है लकड़ी हमने पेड़ कटवाए थे इसके चारों तरफ के, तो उसमें जो थोड़े छंटे वगैरह है वो भर रहे हैं। तो दोस्तों सुबह तो जो है मैंने इसमें दो हैरो लगा दी थी, अब दोपहर का टाइम हो गया है, तो अब मैं ले आया हूँ अपने ट्रैक्टर के पीछे, जिसमें कि मैसी ट्रैक्टर के पीछे टीला लग रहा है और साथ ही साथ दूसरा ट्रैक्टर आ चुका है हमारा महिंद्रा, जो कि सुबह चला गया था क्योंकि सुबह एक का खेत जोतना था, सुबह ताऊ जी ट्रैक्टर ले गए थे, अब फिलहाल आया है और मैं आगे आगे टीला ले रहा हूँ और पीछे रूटर चल रहा है। तो इतने बड़े खेत में तो जब दो दो ट्रैक्टर चलते हैं, तो अब मैं तो मैसी चला हैं, वो चला रहे हैं महिंद्रे को। खेत तो दोस्तों तैयार हो चुका था, क्यों कल को अब आलू लगेंगे उसमें, तो खेत तैयार हो गया फिट एकदम। अब मैं घर आ गया हूँ और केसरी की भी ट्रेनिंग को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो अब फिलहाल आज मैं और ध्रुव इसे जो है केसरी को बाहर, इसे आज हम बाहर खुला छोड़ेंगे, जिससे कि अपने खुद ही उछल कूद कर ले और इसकी एक तरह पैर भी से खुल जाएंगे। ध्रुव खोल से और केसरी को दोस्तों मैं टाइम दे पा रहा, क्योंकि देख सकते हैं आप केसरी की हालत देखो कितना गंदा हो रहा है केसरी, क्योंकि इसे भी एक दिन दो या कल या परसों में नहलाते हैं, क्योंकि इसका टाइम नहीं है, टाइम टेबल एक तो बिगड़ रहा है ज़्यादा मेरा ही, क्योंकि इधर उधर कभी इधर कभी उधर, तो सुबह के टाइम बस निहार करा
और एकदम इसे बांध देते हैं नुई। तो अब इसे बाहर छोड़ते हैं और आज इसके अंदाज देखते हैं कि यह ठाली खड़ा है कुछ टाइम पे तो अपने नखरे कुछ दिखाता है नहीं। खोल दे। छोड़ दे। कहीं नहीं आ रहा। तो देखो कैसी खुलते ही अपने अंदाज में आ गया। चल बेटा चल चला। चल बेटा चल छोड़ दे। चल तो ये देखो केसरी का अंदाज। जब घोड़ा एक बड़े मस्ती के मूड में रहता है तो पूंछ बिल्कुल ऊपर कर लेता है। आजा तो वहाँ दोस्तों जो चोट, क्योंकि वहाँ जो है थोड़े बहुत जैसे बच्चे वगैरह फिरते हैं शाम के टाइम, तो थोड़ा सा खतरा था कि किसी के चोट पैर ना मारे, तो हम इसे खेत में ले आए खल्ली में। और यहाँ देखते हैं इसके अंदाज। ओए टे चल बेटा चल केसरी चल 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 बेटा। ओह एक बार रोको वहां पर उधर। चल चल पर ही हूँ। चल 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 चल। आजा केसरी आजा वापस आजा आजा जरूर नहीं आजा आओ कभी खुद जाओगे आजा केसरी ए आजा आजा आजा। ओहो यो देखो दोस्तों देखो यो कदी कदा देख रहे हो मिलता है सीन। ओहो ओहो आजा पूरे रुतंग मचा रखे थे ना। बस तो थोड़ा सा जो है किसी भी पशु को मतलब घोड़ा हो या कोई भी हो थोड़ा थकाने के बाद थोड़ा लाड प्यार भी करना चाहिए। तो अभी थोड़ा हमने इसे रेस्ट दिया रोकने के लिए जिससे कि थोड़ा सा ये समझ जाए कि इसकी एक्सरसाइज हो रही है कि इसे कोई डट्टा या धमकाया नहीं जा रहा ना पिटा जा रहा इसे। लेकिन एक बार और छोड़ेंगे इसे हम खेत में। चल कैसे चल 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 बेटा चल 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 बस चल पकड़ लेते चल दे घर को लेकर। बस नीचे गिरी हाँ उसमें होल्डर में। तो केसरी की दोस्तों काफी अच्छी ट्रेनिंग हुई आज। साथ ही साथ इसे वैसे तो ट्रेनिंग तो कह ही सकते कि थोड़ा सा इसका है इसका भी पैर खुल गया। इसके यो भी थोड़ा इन्जॉय में आ गया क्योंकि घोड़े को जो है डेली में एक तरह चलाई बहुत जरूरी है मतलब घुमाई। लेकिन टाइम जैसे मैं बताया कि टाइम नहीं दे पा रहा था लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा केसरी ने इन्जॉय किया और हमें भी इसे देख के मज़ा आया। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें। मिलते हैं कि नए व्लॉग के साथ। बाय।